नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बता दें कि दोस्तों आज का यह वीडियो आपके जीवन के लिए, आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। यानी कि दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप अपने जीवन काल में एक नए उपलब्धि को हासिल कर लेंगे, एक नई दुनिया को ही बना लेंगे जिनमें आपको सभी प्रकार की कामयाबी, हर प्रकार की जत प्रतिष्ठा और हर प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अक्सर आप सभी के मन में यह सवाल उत्पन्न होते रहता है कि आखिर हमारे ही जीवन काल में इतनी परेशानियां भगवान क्यों देते हैं। आपको भगवान से कभी कभार भरोसा ही उठ जाता है, आप कहने लगते हैं कि भगवान ही नहीं है, नहीं तो हमारे यह दुख तो वह झेल ही लेते। जी दोस्तों, हमारी वह दुख को देखकर हमें समस्याओं को समाधान जरूर देते। दोस्तों इस प्रकार के कई प्रकार के सवाल आप सभी के मन में उत्पन्न होते रहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता दें कि ईश्वर जो है वह एक सच्चा विश्वास है। जी दोस्तों, अगर आप किसी पर विश्वास करते हैं तो दोस्तों आपको विश्वास ही करना है। जी दोस्तों, ईश्वर ने खुद यह बात कही है कि ना मैं तेरे आगे हूँ ना मैं तेरे पीछे हूँ, मैं तो तेरे दिल के विश्वास में हूँ। अगर तुम मुझे चाहोगे तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। जी दोस्तों, दोस्तों हम आप सभी से बस यही निवेदन करेंगे कि दोस्तों जब भी आप बहुत ही ज्यादा संकट समस्याओं से जूझ रहे हो और आपको कोई समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा है तो दोस्तों ऐसे में आप बिल्कुल भी ना घबराएं और ईश्वर का स्मरण करें कि दोस्तों ईश्वर भी हमारे परीक्षा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बता दें कि जब भी हमारी परीक्षाएं चल रही होती है तो दोस्तों शिक्षक क्लासरूम में बिल्कुल ही चुपचाप रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार ईश्वर भी जब हमारी परीक्षा लेते हैं तो दोस्तों वह चुपचाप रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आप भगवान के परीक्षा में पास हो चुके हैं। आपने जितने भी दुख झेले हैं, जितने भी संकट समस्याओं का सामना किया है दोस्तों, उन पर ईश्वर की पैनी निगाहें थी और यश में ईश्वर आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। तो दोस्तों उन खुशखबरियों के बारे में हम पूरे विस्तार से बात करेंगे, तो दोस्तों दिल थाम कर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। भगवान श्री कृष्ण का श्रीमद आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान से, बहुत ही महत्वपूर्ण विचार से, जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल में बिल्कुल ही सटीक बैठती है। आप यह गलतियां करते रहते हैं तो दोस्तों इन बातों को आप गौर से सुने और इन्हें अपने जीवन काल में जरूर प्रयोग करें। जी दोस्तों, आप अक्सर अपने जीवन काल में सोचते रहते हैं कि हम अच्छे होंगे तो लोग भी हमें अच्छे ही मिलेंगे, पर सच तो यह है कि हम जितना ज्यादा सच्चे और अच्छे होंगे लोग हमारा उतना ही ज्यादा फायदा उठाएंगे। इसलिए दोस्तों ना ही ज्यादा सच्चे बनो और ना ही ज्यादा अच्छे बनो, जैसे लोग मिले वैसे ही बनो। कि दोस्तों आप यह बात जानते हैं कि पिछले समय समस्याओं में कौन से लोग आपके साथ थे और कौन से लोग आपके साथ नहीं थे, तो दोस्तों इन बातों को आप गौर से अपने जीवन काल में याद रखें। अगर दोस्तों यह बातें आपको अच्छी लगी हो या बातों को आप समझ पाए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आए दोस्तों इसके साथ बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से अब आप सभी के जीवन काल में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली है। दोस्तों यशोमय, आपके धर्म तथा अध्यात्म के प्रति आस्था आपको वर्तमान नकारात्मक परिस्थितियों से पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करेंगी। दोस्तों आप अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से संपन्न करेंगे तथा बाहरी गतिविधियों और लोगों के साथ मेल मिलाप पर भी आपका अधिक ध्यान यश में रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपके लिए कुछ फायदेमंद स्थितियाँ भी बन रही है और इनमें आप अच्छी सफलता को भी प्राप्त करने वाले हैं। और इसके बाद दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपको अपनी योजनाओं को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने में कुछ परेशानियां भी आ सकती है, परंतु दोस्तों यश में आपको धैर्य बनाकर रखना आपके लिए उचित होगा। दोस्तों आपको बता दें कि बच्चों के कार्यों में ज़्यादा हस्तक्षेप करने से उनके मनोबल में कमी आ सकती है, तो दोस्तों इन सभी चीज़ों से आपको यश में सावधान रहने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि आपने अभी तक अब कड़ी मेहनत द्वारा अपना स्थान निर्माण किया है,
दोस्तों यह स्थान को बनाए रखने की आपकी कोशिश जारी रहेगी। दोस्तों आपकी जीत की वजह से परिवार के कुछ लोग आपसे नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपका परिवार के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी निभाना, इन बातों की वजह से रिश्तों में आ रहे तनाव ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। इसके उपरांत समय आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों आर्थिक मामलों पर अधिक से अधिक ध्यान दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों यह समय लाभ संबंधी ग्रह स्थितियां भी बनी हुई है। क्रम और पुरुषार्थ के माध्यम से आप सफलता और उपलब्धि हासिल इसमें करने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी परिस्थिति में आपका स्वाभिमान व फिर आत्मबल इसमें बना रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों यश में आपको अपने गुस्से व फिर चिड़चिड़ापन पर नियंत्रण रखना चाहिए। कभी कभी इसकी वजह से आपका स्वभाव जिससे होगा कि आपको कुछ दिक्कतें भी खड़ी कर देंगी। दोस्तों आपको बता दें कि बाहरी व्यक्तियों का अपने व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप ना होने दें, क्योंकि दोस्तों आपकी समस्या की जड़ यही हो सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि अभी तक बर्बाद किए वक्त और ऊर्जा की वजह से यश में आपको पछतावा भी होगा, लेकिन दोस्तों जो बातें हो गई है उन बातों पर अधिक ध्यान न देते हुए आपको बदलाव लाने की आवश्यकता होगी। दोस्तों आपको बता दें कि आप योजना ठीक तरीके से बना रहे हैं, लेकिन योजना पर टिके रहने के लिए आपकी इच्छा शक्ति कम हो रही है। इसलिए दोस्तों यश में अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करें, इस बात पर आप ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करें, ये आपके लिए आवश्यक होंगे। और इसके बाद दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आपकी लोकप्रियता के साथ साथ जनसंपर्क की दायरा भी इसमें बढ़ने वाले हैं। कुछ राजनीतिक लोगों के साथ भी लाभदायक मुलाकात होंगी। घर में धार्मिक कार्य संपन्न होते और योजना भी बन सकती है। इसके बाद दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें किसी सामाजिक सेवी संस्था से जुड़ना आपको इसमें खुशी और सुकून दोनों देने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में कभी कभी कोई नकारात्मक बातें भी आपके ऊपर हावी होने की वजह से मनोबल में कमी आएगी, तो इनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। दोस्तों अपने स्वभाव को इसमें पॉजिटिव बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। कोई भी कार्य करने में ज़्यादा सोच विचार ना करें, अन्यथा जो है समय हाथ से भी निकल सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको बता दें कि आपको मिले अनुभव द्वारा किसी व्यक्ति के साथ कैसे बर्ताव करना है यह बात आपको अच्छे से पता है, और दोस्तों इसी बात का फायदा इसमें उठाते हुए आप पुराने रिश्तों में बदलाव भी ला पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि रिश्तेदारों के साथ हो रहे मनमुटाव को मिटाने की आपको कोशिश करनी चाहिए, और यश में आपकी कोशिश भी कामयाब रहेंगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि संतान संबंधी कोई भी शुभ समाचार यश में आपको मिल सकता है। दोस्तों हर काम को शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे तो आप सभी समस्याओं का हल भी प्राप्त करेंगे और काम में अच्छी सफलता भी प्राप्त करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ लोग जो आपके खिलाफ थे यश में आपके पास आएंगे और आपको जो है अच्छे साबित करेंगे। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि यश में उनके संबंध भी आपके लिए अच्छे रहेंगे, परंतु दोस्तों आपको बता दें कि यश में दिखाव के चक्कर में आप अधिक खर्चा कर सकते हैं, इनसे आपको यश में बचना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि किसी से अगर कोई वादा किया है या फिर किसी को आपने कुछ वचन दिया है तो दोस्तों इन्हें अवश्य पूरा करें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि जो मौके आपने गलती से खोए थे वही मौके फिर से आपको प्राप्त होंगे। इस बार दोस्तों आपको अधिक जागरूकता दिखाकर मिले हुए अवसर को फायदा में बदलना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि आपके अंदर बने हुए जो भी नकारात्मक दृष्टि है इन्हें दूर करने की कोशिश करें और धीरे धीरे आप इनमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। दोस्तों योग मार्गदर्शन के साथ अपने जो है प्रयत्न में जारी रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे, और दोस्तों इनसे आपको सफलता भी इसमें प्राप्त होने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों साझेदार के व्यवसाय में इसमें वह गति पकड़ेंगे, साथ ही दोस्तों सहयोगियों और कर्मचारियों से भी सहयोगात्मक रवैया रहेगा। लेकिन दोस्तों अपनी योजनाओं को जो है कुछ बदलाव लाने में आप प्रेरित कर सकते हैं, यानी दोस्तों आपको अपनी योजनाओं में कुछ बदलाव इसमें लाना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यशमी अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यशमी संतान की किसी समस्या को लेकर पति पत्नी में तनाव रह सकता है। दोस्तों बेहतर होगा कि शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाने का प्रयास करें, अवश्य ही कोई सफलता आपको इनमें मिलने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यशमी आपके लव लाइफ के लिए जो होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों अविवाहित लोगों के लिए कोई अच्छा रिश्ता भी यशमी आ सकता है, पारिवारिक वातावरण भी इसमें खुशनुमा बना रहेगा। इसलिए दोस्तों इसमें आपको अपने परिवार पर भी ध्यान देना चाहिए, उनमें आपको समय व्यतीत करना चाहिए।
और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपकी लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके प्रेम संबंधों के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि प्रेम संबंधों को पारिवारिक सहमति से विवाह में परिणित होने का अवसर भी मिल सकता है। बच्चों के जो है अनुशासन में रहने की वजह से घर का माहौल भी इसमें खुशनुमा रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपकी लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि काम के साथ साथ पारिवारिक गतिविधियों पर भी आप अपना सहयोग अवश्य दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। युवाओं का विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और यश संबंध प्रेम संबंधों में भी जो है तब्दील यश हमें हो सकते हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपके सेहत की, तो दोस्तों यश में पेट संबंधी किसी प्रकार की दिक्कत रहेगी। इसकी वजह से आपको सिर्फ अनियमित खान पान ही नहीं हल्का फुल्का और सुपाच्य भोजन भी लेना चाहिए।